तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने चाहते हो और आपने बहुत प्रयास कर लिया, अलग अलग एप्लीकेशनों से आपने ट्राई किया, लेकिन आपका जो पैसा बैंक अकाउंट में नहीं जा रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे बिल्कुल 2 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। सो गाइस, सबसे पहले आपको आ जाना होगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन का नाम है पेमार्ट, ठीक है, पेमार्ट एप्लीकेशन आपको इसको इंस्टॉल कर लेना होगा। ठीक है, जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे इसमें आपको अकाउंट बना लेना है। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी आप इसमें अकाउंट बनाएं अपनी KYC जरूर कर लें, ठीक है। KYC अगर आप नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पेमार्ट एप्लीकेशन ओपन किया। अब मैं इसमें जो है लॉग इन होकर के आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर मैं आ चुका हूं पेमेंट एप्लीकेशन के अंदर। अब देखो भाई, यहां पर आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कंप्लीट KYC का। आप यहां से अपनी जो KYC है वो कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप KYC कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर आप पैसा जो है बैंक अकाउंट में नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपको यहां पर दिख रहा होगा पे टू बैंक ट्रांसफर फ्रॉम पे फ्रॉम क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पर आपको KYC कंप्लीट जरूर कर लेनी है। अगर आप KYC कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, ठीक है। हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देखो KYC का ऑप्शन आ गया कि आप KYC करो, ठीक है। अब मुझे दोस्तों KYC नहीं करनी है, मैं आपको एग्जांपल के तौर में बता रहा हूं, तो मैं यहां पर स्किप फॉर नाउ को क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब देखो यहां पर इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाता है। अब यहां पर आपको कंपनी नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक अकाउंट और यहां पर अमाउंट डाल करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो चलिए दोस्तों मैं डाल देता हूं, फिर आगे बढ़ जाता हूं, ठीक। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी सारी बेसिक सी डिटेल डाल दी है, मैंने इसको हाइड करके रखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम सिलेक्ट पेमेंट मेथड पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 10 रुपीज डाला, ठीक है, मुझे ज्यादा नहीं डाला है, 10 रुपीज डाला है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, एड क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम एड क्रेडिट कार्ड क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट कार्ड का आपको नंबर MM/CVV डाल करके आपको नेक्स्ट कर देना। चलिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर की ओर ऐड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो गाइज आपको यहाँ पर ऐड क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, अगर मैं 10 रुपये ट्रांसफर करूंगा तो 10 रुपये में मुझे यहाँ पर ट्रांसफर चार्ज 0.26 लगेगा एंड यहाँ पर दोस्तों GST फी 0.05 लगेगा, यानी टोटली मिला करके 10.30 रुपीज यहाँ पर हमारा जो चार्जेस है वो लग जाएगा, ठीक है। प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो भाई मैं आपको बता दूं, जब भी आप इस एप्लीकेशन से पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें तो छोटी छोटी अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कीजिएगा, ठीक है। ज्यादा बड़ी अमाउंट एक बार में आप ट्रांसफर ना करें, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें, ठीक है फ्रेंड। तो भाई वीडियो पसंद नहीं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो नीचे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।